सो हेलो एवरीवन, आई एम गंधर्व, वेलकम बैक टू माय चैनल रैंकर्स पीएसबी। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं 10th के टॉप 10 वीवीआई ऑब्जेक्टिव, जो कि 10 सालों से एग्जाम में आते रहे हैं और इस बार भी इसमें बहुत क्वेश्चन आने की संभावना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इनका पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जरूर ले। और आप लोग की सेंटअप एग्जाम होने वाली है उनके लिए तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग जरूर इन्हें देखें और वीडियो को पूरा अंत तक देखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शहर अब भी संभालना है, शहर अब भी संभालना है, यह कृति किसकी है? यह कृति विमल मित्र या उपेंद्र नाथ अस्क या गिरिधर गोपाल या अशोक वाजपेयी? ये जो है अशोक वाजपेयी की है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, संतु मछली लेकर क्यों भागा? ये संतु जो था कहानी का एक पात्र है, मछली लेकर क्यों भागता है? ये संतु बेचने के लिए भागता है या खाने के लिए या काटने के लिए या कुएं में डालने के लिए? ये संतु जो है ये कुएं में डालने के लिए मछली को लेके भागता है। थर्ड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, सुलोचना क्या थी? सुलोचना क्या थी, अभिनेत्री थी, मंत्री थी, गायिका थी या नर्तकी थी? तो सुलोचना जो थी ये अभिनेत्री थी। और उसके बाद फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, ये टॉलस्टॉय कौन था? ये रूसी लेखक था, चीनी लेखक था, अंग्रेजी लेखक था या फ्रेंच लेखक था? ये जो था ये जो था टॉलस्टॉय ये रूसी लेखक था, आप लोग देख सकते हो ये रूसी लेखक था। उसके बाद फिफ्थ नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? यहाँ लुधियाना में, राजस्थान में, नानकाना साहब में, गुजरात में? तो सी ऑप्शन सही है, नानकाना साहब में। और उसके बाद फिर है, रही रास किसकी रचना है या किसकी कृति है या किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस तरह के आपको क्वेश्चन वहाँ आ सकते हैं, कुछ घुमा के आ सकते हैं। तो ये है गुरु नानक की या गुरु तेग बहादुर सिंह की या गुरु गोविंद सिंह की या गुरु अर्जुन देव की? तो ये जो है गुरु नानक की है, ये गुरु नानक की रचना है, ये गुरु नानक की कृति है, ये गुरु नानक के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद सेवंथ नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटी हिंदू वरिये? निराला ने, भारतेंदु हरिश्चंद ने, रामविलास शर्मा ने या रामचंद्र शुक्ल ने? ये भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, बी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद जाते हैं 8 नंबर में, मान मानिक में कौन सा अलंकार है? ये जो मान मानिक है इसमें कौन सा अलंकार है? उपमा, उपेक्षा, रूपक, श्लेष? इसमें रूपक इसमें जो है रूपक अलंकार है। प्रेम घन किस युग के कवि थे? ये जो प्रेम घन थे किस युग के कवि थे? ये जो थे आदिकाल के, भक्ति काल के, भारतेंदु काल के, छायावादी युग के? तो ये भारतेंदु युग के या भारतेंदु काल के कवि थे। 10 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, प्रेम घन ने किस समाज की रचना की? धनी समाज की या कलावंत समाज की या रसिक समाज की या भक्त समाज की? तो ये जो थी, ये जो प्रेम घन जो थे ये रसिक समाज के रचना की। तो इनका पीडीएफ मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से आप जाके इसे एक्सेस कर सकते हो। और आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।